brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. आधी रात में तंगलियों में आधी रात में तंगलियों में जिससे नजर चुराई थी वो मनमौजी घूरन लाग्यो इसकी रू घबराई थी आधी रात में तंगलियों में आधी रात में तंगलियों में जिससे नजर चुराई थी वो मनमौजी घूरन लाग्यो इसकी रू घबराई थी सुन लो चांदर सुन लो तारे सुन लो चांदर सुन लो तारे तब एक माँ पछताई थी आंख चुरा कर मुंह लटका कर आंख चुरा कर मुंह लटका कर उस बेटी ने ठान लिया रात अंधेरी खाली रास्ता रात अंधेरी खाली रास्ता लड़की अकेली मौका अच्छा उस हैवान ने सोच लिया मर गई थी तब मानवता जब उस इंसान ने जन्म लिया मर गई थी तब मानवता जब उस इंसान ने जन्म लिया धक धक धड़कन बढ़ने लगी थी धक धक धड़कन बढ़ने लगी थी सांसें भी तब चढ़ने लगी थी पग रफ्तार बढ़ाई थी छोड़ दो भैया बोल बैठी तब हाथ जो उसका थाम लिया पहले कितना मजा आता था भैया बोलने में कितना अच्छा शब्द है भैया पर अब मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि इसको समझ जाए कि मतलब दया आ जाए धक धक धड़कन बढ़ने लगी थी सांसें भी तब चढ़ने लगी थी पग रफ्तार बढ़ाई थी छोड़ दो भैया बोल बैठी तब हाथ हाथ जो उसका थाम लिया कैसी माना होता कैसा रिश्ता कैसी माना होता कैसा रिश्ता सबको एक पल में ठार किया आंख चुरा कर मुंह लटका कर आंख चुरा कर मुंह लटका कर उस बेटी ने ठान लिया मर जाऊंगी जान के खातिर मिट जाऊंगी मान के खातिर भिड़ जाऊ तन मन के खातिर मुड़कर उसने वार किया मर जाऊंगी जान के खातिर मिट जाऊंगी मान के खातिर भिड़ जाऊ तन मन के खातिर मुड़कर उसने वार किया इतना शोर हुआ गलियों में इतना शोर हुआ गलियों में इतना शोर हुआ है जग में जब वो काली रूप में आई थी उस हैवान ने माँ कह करके उस हैवान ने माँ कह करके अपना रास्ता नाप लिया जीत गई थी मानवता जब उस बेटी ने जन्म लिया जीत गई थी मानवता जब उस बेटी ने जन्म लिया और आखिर में बस कुछ पंक्तियां उस मेरी प्रेरणा मेरे प्रेरणा मेरे जैसे गुरु कह सकते हैं आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पहले भी महान कवि थे आज भी महान कवि है और रहेंगे हर बार उनके चरणों में अर्पित करना चाहूंगा चला गया तू करके वश में अंतकाल को अंतर मन में दीपक मन में जला गया तू हर जन मन के अंतकरण में करुणा बेला मन दर्पण की साथ ले गया गंगा जल में विश्व पटल की छोड़ी सत्ता अमर हो गया जनजीवन में देनी होगी खरी गवाही प्रतिभाशाली व्यक्ति अटल की अमर कहानी मीठी वाणी लीन हो गई मन मंथन में धन्यवाद